क्वेश्चन बेटे बाद में लूंगा मैं। पार्टनरशिप हाँ साइन वाला होगा ना, साइन और कॉज के अंदर डिवाइड एक्स लगा हुआ है। आ रहा हूँ एक मिनट, मार रहा हूँ जरा अभी मेरे को, वैसे लिखवाना, व्हाट्सअप कर दे मेरे मुझे। बच्चे हाँ के चक्कर में ना क्यों सवेरे से कर रहा हूँ मैं, क्यों बेहूद के चक्कर में। दरअसल मैं 8 बजे से क्लास ले नहीं सकता, कल का क्या शेड्यूल है आपका? कल बता रहा हूँ ना, 9 10 से 12 अच्छा बस, कोई टेस्ट और कुछ नहीं है। मैं एक काम भी कर सकता हूँ, उनका टेस्ट हम जल्दी भी रख सकते हैं चाहें तो। रहने दो, फिर मैं ही कर लूँगा, मेरे सामने कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं मैं करा लूंगा टेस्ट नहीं को, मेरे सामने कर लेंगे फिर, मैं कोई मेरे सामने करते हैं थोड़ा बहुत वो रहता है, क्यों मेरे सामने कर और लो, हैंडराइटिंग चल जाती है मेरे सामने चलेगी नहीं। मेरे सामने इफेक्टिव रहेगा। अब मैं अभी देखता हूँ बेटा, ये दे रखा डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है 3। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ऑर्डर कितनी है इसकी और डिग्री कितनी है इसकी। अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेलेक्ट करना है आपको, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पावर कितनी है। हाँ 3, तो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे, ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री कितनी हो गई। हर्षिता आप एग्री करते हैं बेटा? ऑर्डर होती है उसी की डिग्री लेते हैं ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तनिजी, तनिजी आप सुन पा रहे हैं हमें, ऑर्डर कितना होगा उसका, तो डिग्री कितनी होगी। इतनी जी आप थोड़ा लालच में आ गए थे उसको 7 को देख करके। आजकल सवाल पूछने का ट्रेंड क्या बन गया है, ये नहीं पूछता कि ऑर्डर डिग्री कितनी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज द स्क्वायर्स ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। 4 प्लस 9 13। बकवास कर रहा है कुल मिलाकर एग्जामिनर, मजे ले रहा है, तो आप उस हिसाब से उसको बता देंगे, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है। अच्छा अब मैं एक सवाल और बताता हूं जरा, अब ये आ गया सवाल, डी वाई बाय डी एक्स प्लस की पावर 3 साइन वाई डैश इज इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है 1, और डिग्री, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइन, क्यों, रीजन बिंग क्या है, अगर आपके किसी भी एंगल में साइन में कॉज में टेन में किसी भी एंगल में आ जाए या एक्सपोनेंशियल में आ जाए, अगर इस तरह की फॉर्म में आ जाता है जो अलग से सेपरेट नहीं होता, तो डिग्री डिफाइन नहीं होती हमारे पास। ऑर्डर मैं बता, ऑर्डर इसका कितना होगा, नहीं टू, नहीं 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 बेटा 2 ऑर्डर नहीं होगा ना बेटा, ये तो साइन बाई डबल डैश एंगल दे रखा है ना बेटा, वो तो एक दो सवालों पे आता हूँ। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, साइन कॉस टेन ई की एक्सपोनेंशियल में आ जाए। करते हैं 2-3 सवाल हम लोग, आप बता पाएंगे एनसीईआरटी का है हमारी, ये रही। हम गए यहाँ की तरफ और थोड़ा हम और इधर आ गए, थोड़ा हम और इधर आए और हम यहाँ तक पहुँच गए फिर। तो सीधा सवाल मेरा इति जी से ही है, इति जी आप थोड़ा बता पाएंगे हमें। तो ये सवाल, पहला सवाल है, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले पार्ट का बताओ, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइन, नहीं अब यहाँ नहीं है, नहीं यहाँ यहाँ डिफाइन है, क्योंकि ये कॉस जो है उसका एंगल नहीं है ना, कोई वाई डैश या वाई डबल डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स ऐसे, तो यहाँ तो डिफाइन है, ये नहीं कॉस आते ही आप तो कह दो भाई डिग्री जयराम जी की, अगर अगर इन्हें कॉस वाई होता तो भी जाती, अगर यहाँ पे होता कॉस कॉस वाई डैश होता या होता यहाँ पे कॉस डी वाई बाई डी एक्स होता तो नॉट डिफाइन हो जाता। कर दिया ऑर्डर 3 कर दिया, अच्छा मतलब वैसे अच्छा डी क्यूब कर दिया हम लोगों ने, ऑर्डर कितना हो गया, नहीं डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी ना, नहीं अच्छा इस वाले क्वेश्चन के लिए, हाँ इसमें ऑर्डर 3 हो जाएगा, ऑर्डर 3 नहीं नहीं अरे यार, अरे यार ये, अरे भाई ये कह रहा है एक जरा यार, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, अब बताओ ऑर्डर कितना है। हाँ फिर तो डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी ना, ऑर्डर 3 हो जाएगा, अब इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है इसकी 1 भाई, आराम से आराम से। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है
वन। अच्छा इसका बताना जरा एक बार, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू प्लस कॉस डी वाई बाय डी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ तीन सवाल लेके आए, तीनों सवालों को हम करेंगे अभी हम लोग, और ये हम फोटो आपको ग्रुप में भेज रहे हैं हम लोग। कहाँ से लेके लाते हो सर आप ये, कहाँ क्या जादू है आपके हाथ? सवाल तो सही है सर, सवाल कभी गलत नहीं होता सर। नहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सर, मोटिवेशनल क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल मोटिवेशनल क्वेश्चन है। तुम्हारा मोटिवेशन होगा कि मैं डीएफ, तुम्हारा इन तीनों सवाल पे एक बूस्ट हो जाएगा कि तीनों तरह के तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर। क्या ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है? एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है सर। हां मतलब आ रहे हैं 10 मिनट में इनके ऊपर आ जाएंगे हम लोग। हाँ, ये आ गया आपका ऑर्डर कितना हो गया उसका बेटा, और डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। अब इसका ऑर्डर क्या पहले वाले का? हाँ, और डिग्री कितनी है? वन। इसका ऑर्डर कितना है? डिग्री कितनी है? वन। क्योंकि ऑर्डर जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पावर देखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग पावर कितनी है? वन है हमारे पास। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर बता पाएंगे एक बार आप मुझे? बस लागो शायद कोई डाउट हो रहा है। हेलो गुड इवनिंग, हेलो, हाँ जी सर, सब बढ़िया, हेलो, हाँ बताएं सर बताएं, हाँ जी हाँ जी सर, एक बार कल आपको बुलाया होगा टीचर ने, क्लास टीचर ने फोन किया होगा ना, हाँ तो कल आना होगा सर आपको, हाँ जो भी है सर कल बात करेंगे सर, है ना, स्कूल में ओके। हाँ ये ऑर्डर कितना है? हाँ एक बार दोबारा आ जाते हैं, ऑर्डर कितना है इसका? डिग्री कितनी है इसकी? वन। अच्छा तीसरे वाले में ऑर्डर कितना है इसका? और डिग्री डिग्री कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी इसकी। हाँ एक्सपोनेंशियल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक होकर एक्सपोनेंशियल हो गए। हाँ या एक चीज और है इसके अंदर में, मान लो x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू थ्री है, ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है? तो ये इट शुड बी फ्री फ्रॉम थर्ड्स एंड रेसिप्रोकल्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, धोखा खा गए ना, अगर ऐसा रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब एलसीएम ले लेना। अच्छा एक मिनट बताओगे, रूट एक्स इजिकल टू टू माइनस एक्स लीनियर है क्वाड्रेटिक है? बना नहीं सकते, है ही क्वाड्रेटिक, बचपन से क्वाड्रेटिक है ये, क्योंकि अंडर रूट में दे रखा ना आपको, अंडर रूट से तो फ्री करना पड़ेगा ऑलवेज, कोई भी इक्वेशन हमको जज करते हैं इट शुड बी फ्री फ्रॉम थर्ड्स, इसको थर्ड्स बोलेंगे, अंडर रूट वगैरह को ये रेसिप्रोकल से फ्री होनी चाहिए। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंखों का धोखा है, आंखों का नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, क्लियर हो गया आपको अभी, चलते हैं जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9.1 का पहले सवाल का फटाफट से आंसर बता दिया, ऑर्डर कितना है? डिग्री कितनी है? वेरी गुड। ऑर्डर कितना है? डिग्री कितनी है? बोलते जाओ, ऑर्डर डिग्री, चौथे क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉस डिवाइड एक्स आ गया ना, वेरी गुड बिल्कुल। ऑर्डर कितना है? डिग्री वन। सेवंथ में, सिक्स में ऑर्डर डिग्री टू, सातवें में फाइव, कहां से आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है जी, क्लियर है आपको। छठा सवाल, आठवां सवाल, ऑर्डर डिग्री वन ही तो है, ऑर्डर डिग्री ऑर्डर टू डिग्री वन, साइन वाई है ना। अच्छा क्लियर है आपको, अब लिखिए थ्री फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, हाँ वो सेकंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा वो। देखो थ्री फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये भी। ये सवाल दे रखा है भैया इन्होंने, ये सवाल की ऑर्डर और डिग्री पूछना चाह रहे हैं। अब इसका स्क्वायर खोल लें हम लोग, ए प्लस बी के स्क्वायर से क्या खुलेगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ ये हो गया ना, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, इक्वेशन क्या बची? एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो खोलेंगे ना बेटा, सिंप्लीफाई तो करोगे ना इसको, इजिकल टू कितना है, कितना था ये? वन था, ये वन आ गया हमारे पास। वो वन क्यों, माइनस क्यों होगा? हाँ वो इसको ना, इसको तो सिंप्लीफाई तो करोगे नहीं करोगे ना, कि उसको सेकंड डेरिवेटिव थोड़ी ले लोगे आप, उसको तो पूरे का होल स्क्वायर है ना। अच्छा अच्छा नहीं, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया ना बेटा, चलेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तीन तरह की इक्वेशन लिखी आपने, कौन कौन सी लिखी है आपने? वेरिएबल सेपरेबल लिखी है और होमोजेनियस लिखी है और लीनियर लिखी है। तीनों को एक एक सवाल पहले करेंगे, अगर हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं अपनी मर्जी से पहले हम लोग, फिर सर वाले सवालों को भी उठाएंगे हम लोग। पहला सवाल ये है, देखिए कुछ भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, ये कौन सी इक्वेशन है? आपका कोई भी इक्वेशन आ जाएगी, हमें आइडेंटिफाई करना कैसे होगा? आप अगर एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं तो क्या माना जाता है वो? वेरिएबल सेपरेबल। क्या अलग अलग हो सकते? होमोजेनियस नहीं होता आएंगे। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, पता कैसे लगा आपने? जहाँ एक्स और वाई वेरिएबल को क्या कर दें आप लोग, सेपरेट कर दें, कुछ भी चीज़ लिख देते हैं। बहुत सारे सवाल बनेंगे अभी एक्सरसाइज के, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, करने का तरीका क्या है, एक तरीका सीख लेते हैं। एक्स वाले वेरिएबल अलग, वाई वाले वेरिएबल अलग, कितना हो जाएगा ये? वाई यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन, और कितना हो जाएगा ये? डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमेशा दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अर्नेश आप बता पाओगे अब क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? अर्नेश वेरी गुड, कितना फॉर्मूला बन जाएगा? टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस सी। कहानी हो गई है खत्म। और हमेशा क्या करना है, वाई की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो वाई इधर रहेगा, बाकी सारी चीज़ों को धक्का मारो उधर, तो पूरा टेन इनवर्स वहाँ चले, तो क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास? वेरिएबल सेपरेबल। सवाल ही करने, 15 सवाल करने का टारगेट है हमारा, 15-16 हो गए, ठीक है जी, छोड़ दो कोई बात नहीं, आधा नंबर कट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ कि वाई को, क्योंकि देखो वाई जो आंसर की में आंसर दिया होता है ना, वाई की फॉर्म में होता है, मुश्किल होता है तो आप उधर भेज दो, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कौन से जेब से पैसे लग रहे हैं कोई? अगर नहीं हाँ सीखे तो कटेंगे कटेंगे, सीधे जरूरी है। और हाँ बस 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 बस, परफेक्ट एग्जाम्पल सर, आगे चलेंगे। क्या करेंगे हम लोग? होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ नजर आया आपको, आपको कुछ नजर आया, आपको कुछ नजर आया, बताइए इनमें से कौन कौन सी होमोजेनियस इक्वेशन है, कौन कौन सी नहीं है? पहचान क्या होती है? हर टर्म में पावर क्या आती है? सेम आती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ भी वाई की पावर वन है, यहाँ भी एक्स की पावर वन है, मेरे को नहीं मालूम लास्ट वाली होगी नहीं होगी, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ एक और एक कितनी हो गई? दो। ये भी होमोजेनियस हो गई, और ये तीन और एक चार, ये चार दो और तीन पांच, ये होमोजेनियस नहीं है। नहीं इससे कोई मतलब नहीं, मतलब टोटल में टोटल मिला के पावर देखनी है, ऐड नहीं कर रहे हम लोग उनको, मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम पावर देख रहे हैं मिला करके। आपकी बिल्कुल बात, हमने बिल्कुल आपने एग्री कर लिया, बिल्कुल आगे कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली करने के बाद भी वही चीज आनी चाहिए होमोजेनियस में, फिर लैम्डा एक्स से लैम्डा वाई से हम करते हैं चीज को। हाँ तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो थर्ड वाली होमोजेनियस, अगर कोई होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, सवाल नंबर अपना खुद का चलेगा, देसी सवाल। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है?
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, क्या तरीका उसको करने का, क्या एल्गोरिथम होता है हमारे पास, लेट कर लेते हैं वाई इक्वल टू कितना वी एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेरी गुड, कितना आएगा वी को रख दिया एक्स का कितना हो गया वन, एक्स को रख दिया वी का कितना हो गया, अब इसको यहाँ इक्वेट कर देंगे, डिवाइड एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, ऐसा क्यों, वाई की मैंने क्या पुट कर दी यहाँ पे अब वैल्यू, अब ये सवाल किसे में कन्वर्ट हो गया फिर से, वेरिएबल सेपरेबल, समझ में आ रही है मेरी बात आपको दक्ष, रचित जी हाँ कैसे देखिए यहाँ से ऊपर वाले से हमेशा एक्स कॉमन आएगा कट जाएगा, कितना बचेगा वी प्लस एक्स एक्स से एक्स कट गया, कितना बच गया हमारे पास ये वन प्लस बी आ गया, बी से बी क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, बच कितना हो गया एक्स, अब ये किसका सवाल बन गया है, वेरिएबल सेपरेबल का सवाल बन गया, कैसे करेंगे v इज इक्वल टू कितना c की जगह लॉग सी लगा दो, जैसा देश वैसा वेश, आज लॉग लॉग की बातें चल रही हैं तो सब कुछ लॉग में जलाओ, तो y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लॉग सी एक्स, v की वैल्यू कितनी है y बाय एक्स, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी x log c x इज द फाइनल आंसर, ध्यान आ गया ये log c भी लेना पड़ेगा है? हाँ और सर जो तीनों सवाल लेके आए हैं मैंने आप ध्यान से देखा है वो तीनों ही वेरिएबल उसके हैं नहीं यस हो सकता है इतना याद नहीं रह पाता है, तीन चार सवाल हम आपसे भी करवाने की कोशिश करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन यू रिपीट वंस मोर यार, एलडी लवडेल सेक्शन है ये एलडी, सर ने हमें थैंक यू बोला है, सवाल क्या होगा मैं सर के तीनों सवाल कराऊंगा जरा, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में बना लेंगे, जो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है नहीं है तो फिर कोई दूसरी फॉर्म होगी फिर सवाल की देखना पड़ेगा, ये क्यू एक्स ये होगा होगा उल्टा हो सकता है हाँ हाँ ई की बार पीडीएक्स हो जाएगा हमारे पास, ये की बार पीडीएक्स हो जाएगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा वसला जी वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास, ये दोनों फॉर्म नोट कर लीजिए, अंडेश गुप्ता जी आप सहमत हैं हमसे, रचित ठीक है बेटा ये चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, सतीश जी ने तीन सवाल हमें दिए हैं, नहीं एक बार बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे आप सर, पहला सवाल मैं ट्राई करूंगा कि बाकी दो मुझे नहीं आते, एक पहला आता है मुझे इसलिए वो आप ट्राई करेंगे, हाय रब्बा सर ने सवाल दिए, अच्छा सर के सवाल तो लिखे हुए मोबाइल खोलने की जरूरत ही नहीं है, पहला सवाल क्या है सर ने सवाल दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस सर ने लिखा वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स,
और साथ में कुछ और जानकारी भी दी सर ने हमारे को, एक्स जीरो के बराबर नहीं है और एक्स जब पाई बाई टू है तो वाई कितना है, जीरो। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई है, ताकि हम सी की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकें। दक्षा बता पाएंगे यहां पे ये कौन सी फॉर्म है, होमोजेनियस नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये प्लस का साइन भी आ गया, वाई उनको कॉटेक्स फॉर्म अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्या करें, गरीबों की एक ही जगह है, क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास, पी कितना है मेरे पास, यहां बताएंगे जरा आप, कंपेयर कर लीजिए, पी कितना है, कॉटेक्स है, सतीश जी का सवाल चल रहा है, और क्यू एक्स कितना है, आई एफ कैसे निकालू हमें, ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर कॉटेक्स, कॉटेक्स का इंडिकेशन क्या होगा, लॉग साइन, क्या मैं ई और लॉग को खत्म कर सकता हूं, ये साइन एक्स आ जाएगा, ये साइन एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं साइन एक्स को, इसका नाम होता है गणित की भाषा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपके एमसीक्यू के कई सवाल आते हैं जिसके अंदर पूछते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो बता पाएंगे आप, रिधिमा गोयल आप थोड़ी लेट आए, आप बता पाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, फाइव एक्स साइन एक्स होगा बेटा, साइन एक्स, साइन एक्स। चलिए स्टेप टू क्या है हमारे पास, क्या करते थे हम लोग, वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू फोर एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब साइन एक्स और कॉसिकेंट एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, खाली क्या रह जाएगा, फोर एक्स रह जाएगा, और फोर एक्स का क्या करेंगे हम लोग, फोर एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मुझे मुझे कुछ जानकारी यहां दी गई है, क्या अतिरिक्त जानकारी दी गई है यहां, कि जब एक्स पाई बाय टू होता है तो वाई कितना होता है, जीरो। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं, और सी निकालने की मेरी क्या होगी, एक कोशिश होगी, वाई को कितना पुट करेंगे यहां पे हम लोग, वाई को जीरो पुट कर लो तो सबरा क्या हो जाएगा, ये जीरो, और एक्स को कितना पुट करेंगे, तो पाई बाय टू का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना आएगा, जीरो इजिकल टू कितना आ जाएगा, फोर, कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाय फोर, और इसके अपॉन में कितना है, टू, ये पहले काट के नहीं टू लिख लो ना, खत्म करो, इतनी लंबी कहानी क्यों करनी है। सी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का पाई स्क्वायर बाय टू, सी को उठाओ, उठा करके यहां पर अब रख देंगे, खत्म। कैसा लगा आपको ये, सतीश जी का पहला सवाल बहुत ही आसान रहा, सीबीएसई, सीबीएसई में पेपर नॉर्मली आता है बेटा, हम तो वाई की फॉर्म में कोई बात नहीं, अपॉन में आ जाएंगे और क्या होगा, नहीं नहीं वाई की फॉर्म में लिख दो बेटा, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टू कट गया तो टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ये माइनस पाई स्क्वायर बाय टू साइन एक्स हो गया, ये वाला बताइए, मैं आई प्रोसीड फर्दर, मैथ्स आसान है, तीन बार बोला करो, मैथ्स आसान है, आसान है, आसान है, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, कहाँ थे हम लोग, अच्छा हम तो कहीं भी नहीं थे, नहीं करना है एक्चुअली, वो आप खुद करना ट्राई करना चाहेंगे रचित जी एक बार आप।
देखिए ये सवाल है, 5 मिनट आपको दिए जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना। देखिए फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आऊंगा। ये देखिए करिए, कौन सी फॉर्म है पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए आप। ठीक है, पहले इक्वेशन में पाप को कैसे डिवाइड करते हैं बताओ, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाए तो डिवाइडेशन तो कुछ भी नहीं होता। मतलब कौन बहुत एक्स पे होगा dx, अरे टेक्स पे एक क्लिक देना, अच्छा बिटाने को दे। थैंक यू भाई, एक किलोमीटर टाइम्स हो जाना। थैंक यू भाई, तो यहाँ पे वाला एक्स की वैल्यूज नहीं दिखी बाहर का जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल सॉल्यूशन वर्टिकल सॉल्यूशन हो जाता है। एक्स एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तुम क्या जानो। हाँ दूसरा भी बैठे एक बात बता रहे हैं, ई की पावर 10x से डिवाइड कर देंगे क्या दोनों तरफ, हाँ वो पता नहीं पावर है बहुत बढ़िया डालो अच्छी थी आप पेज। इसको क्या है ये से दिख रहा है दुनिया में पी को पहले नो पर टाइम एक्स पी के लिए और ये रख ले बस इसको मुझे दे दे तब चीजें बहुत कम है तो आंसर दे दो सर के बहुत नाम से दे दी कोई नहीं रखते बात मारिए आंसर नाम सपोर्ट के शुरू में बहुत डिमांड हो रही है ये लेकिन आप कर ले मुझे प्रोडक्ट को लगा ये लेते हैं पूरा ये आंसर की वाला इसमें एकदम वाइपर से लगा रहे हैं इसमें। हाँ रुक जा कौन सा की रेट है ना, ये तो उधर निशान साबित कर लेगा ठीक है। तो कुछ ना रहे टॉपिक का, अरे बच्चा कर रहे हैं टेन दोनों नहीं है उसकी की रोक नहीं है पर कौन क्वेश्चन सुना है ये है ना हो गया। वेरी गुड, बनेगा थोड़ा सा ये शायद तो मेरा बैड प्रॉब्लम लग गया हो सर, मैं कुछ पुरानी यादें निकाली हैं तो पुरानी यादें तुम चीनी छोड़ के जो 20 सवाल एक तरफ एक्सपीरियंस और 4 सवाल डिफरेंशिएशन एक्सपीरियंस तो लड़की का नाम मैंने क्या बताया था जो तो इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की मैंने लिखी थी 4 बार तो रोशनी रोशन 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 क्या डेट है 9 साल का
दिशा गुप्ता की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आपको दिखाई दे रहा? दिखाई दिया। हो गए दोनों, नहीं होगा चेक कर लिया। क्वेश्चन अच्छे से करके आसान थोड़े ज्यादा है, आसान ज्यादा तो आसान से जो सर इतना मुश्किल थोड़ा पेपर आया इनका। तो इसकी प्रैक्टिस तो हो रही है ना सर, चार चार बार आया सर, जैसे चार बार सोचा है। तैयारी नहीं हो गई इनकी, आराम से करेंगे। आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी दिस स्टोरी क्या है मेरा सर जी? फोन जमा करने पड़ेंगे, तो तुम्हें क्लास में तुम्हारी मैसेज ही चल रही होती है। ला काम भी करना पड़ेगा, जहाँ पे लेते रहते थे यहाँ पे भी। इसमें चैलेंज बहुत है, मैं एक मिनट भी खराब नहीं करने मैसेजिंग शुरू करेंगे। सर एक्चुअली क्या है, बच्चों को किसी बच्चों को ज्ञान नहीं मिला, किसी को पानी मिला, तो ये ऐसा मिला जैसे पिछड़ा को भाई मिली है। चलेंगे वापस चलेंगे बेटा, आपसे हो गया क्या ऑनलाइन वालों? क्या मैं सॉल्व करूं? दो कोई बच्चा चाहता है कि दोनों सवाल सॉल्व किए जाएं यहाँ पे? तनिष सर बस सेकंड वाला हो। रिधिमा गोयल दोनों हो गए, मैं ना कराऊं उनको? अब थोड़े बड़े सवालों पे आ जाएं, थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया देख लें जरा इनका। ये तो सतीश जी की डिमांड थी, और सतीश जी की ये तिजोरी से निकले हैं चारों सवाल, तीनों सवाल हो सकता है ऐसा नहीं, लेकिन सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। सतीश सर की तिजोरी से निकले हैं। एक बार बच्चे को शेयर और प्रॉफिट दे रखा है किसी पार्टनर का, फिर भी उसका बैलेंस कितना निकाल रहा है? बिल्कुल टेस्ट में होता है इंडक्शन प्राइस दे रखी थी। हां सर मैं भी निकाल रहा हूं, ट्राई करके देख। इंडक्शन प्राइस दे रखी है, फिर भी इतने अपनी अभी आने वाली को निकालने लगा। ये वाला देखिए, वैसे वर्ड प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल सवाल ही है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, हूज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस? हाँ मतलब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है? हाँ एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, ये दे रखा है आपको। एक्स डिवाइड इक्वल टू, कैसे करेंगे जरा देखिए, शक्ल थोड़ी गंदी सी दे रखी है। ये क्या, ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपके हिसाब से? आप देख लीजिए कौन सी बनेगी, मुझे नहीं मालूम, लीनियर बन रही है या कुछ और, करके देखिए जरा एक बार, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। हाँ बताइए कौन सी फॉर्म है ये? नहीं आ रहा तो भाई हो जाएगा खाली। हाँ नहीं क्यों फर्क नहीं पड़ता, हाँ आंसर आ रहा है एक्चुअली में। हाँ हो ये आपको क्या, ये क्या आपका लीनियर से हो रहा है? ये आपका लीनियर से भी ट्राई करके देख लो, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ आपको, लीनियर फॉर्म है ही नहीं है, बजा के देखें लीनियर इसको एक बार। ठीक है देख लेते हैं।
नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखते हैं क्या है ये सवाल। एक्स डी वाई इज इक्वल टू कितना है, ये सवाल था। वेरिएबल अलग करने रहे, कोई एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, ये कितना बच जाएगा यहाँ पे डी वाई, और ये कितना हो जाएगा, वो तो गए सिंपल फॉर्म में आ नहीं गए यहाँ, बताओ ये। अब यहाँ करेंगे इसको अलग अलग कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये डी वाई का वाई, उसका कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कितना बचेगा प्लस, तो कितना हो जाएगा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स प्लस सी। अब एक्स के लिए वन पुट करना, वाई के लिए वन पुट करना, सी आ जाएगा। नहीं समझाई मेरी बात, फिर पहले क्यों नहीं हो पा रहा था ये? नहीं कोई बात नहीं, फ्लो फ्लो की बात मानते हैं। चलो एक बार लीनियर बनाने की कोशिश करें इसको। अगर लीनियर बनाने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा। लेकिन लीनियर में क्या होता है, वाई भी तो आना चाहिए पी वाई, तभी तो लीनियर बनेगी ना, लीनियर बनी नहीं रही है। ये भैया दोनों चीजें सेपरेट हो रही तो सेपरेट करो। रचित आप समझ पा रहे हैं बात को? पेपर में भैया ये चीज पंडित जी ने नहीं कहा किसी ने, क्या सी जीरो तो लिखो आप, वैल्यू भी निकाल के बताइए, आपको सब करना पड़ेगा साहब। लॉग वन जीरो होता है भैया, क्लियर है? चलेंगे आगे की तरफ। कल मैंने डैश बोला ही हुआ है आपको, कल भी डैश रखेंगे, परसों भी डैश रखेंगे, मैं करा दूंगा, मैं अलग से पूछिए मेरे से। तो परसों भी इसी का है, सेकंड बुक का। हाँ लगातार दो टेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सेकंड बुक ही थोड़ी सी आपकी वीक होती है, मैंने देखा है, क्योंकि इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं नहीं वही है चैप्टर 7 से लेके 13 पूरा, बाद में संडे को लेंगे बेटा, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाएगी बेटा। संडे को 3 मार्च है, सेकेंड मार्च तो सैटरडे है ना, सैटरडे नहीं संडे लेंगे। हाँ सेकेंड को है ना, फिर हो जाएगा, लेकिन हम टीम को कर रहे हैं, थोड़ा पोस्टपोन हो गया। अच्छा ये वाले सवाल में किसी को कोई डाउट है? ये हो गया क्या? सर डिफरेंशियल इक्वेशन वही ला रहे हो आप सवाल, सर ने दो सवाल और दिए हैं सर, प्लीज देख लीजिए। सैटरडे क्लास होगी, टेस्ट आपका संडे को होगा। ये सवाल लिखिए जरा, सर एक सवाल लेके आए हैं, 1 + x³ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6x² y इज इक्वल टू 1 + x², ये सवाल थोड़ा बढ़िया लगा। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व करिए जरा, ये सवाल को सॉल्व करिए जरा। ये सतीश जी ढूंढ के लाएंगे इसे। ये लीजिए, करिए जरा सवाल को और बताइए सर, कर लेंगे वैसे। भरोसा कहाँ रखना है, भरोसा चले। ये सवाल नवा है, नवा सवाल है सर, ये नवा नया सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली में होगा, फिर आप ढूंढ के ले आओगे। नई वाली एनसीईआरटी में तो मेरे को फिगर याद नहीं आ रही है अली, नहीं समय मतलब इनका हाथ से करा हुआ नहीं है ये। हाँ ये इनकी जिंदगी में पहले सवाल हो, पहली बार हो रहा है ये। रचित आपने ये सेम सवाल किया हुआ है किसी बच्चे ने? सेम किसी ने किया हुआ? अब सतीश सर बिकेंगे, अब
नहीं आई आई टी लेवल का नहीं है बेटा, आई आई टी लेवल का लग रहा है क्या? देखो रिधिमा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर, ओके 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 मैं कर दूं उसको। अच्छी बात है दक्ष का। भाई क्या करा तुमने? गूगल पे मिल गया था बेटे, सवाल ये गूगल पे मिल जाएगा सर, ये बेटे सतीश सर कह रहे गूगल पे मिल गया था, ढूंढा नहीं। अच्छा ढूंढ लेता तो ठीक रह जाता बेटा, आसान हो जाता। आपने कहाँ भेजा बेटा ये तो कोई दूसरा सवाल है, तो ये तो पिछले वाला सवाल भेजा है। अच्छा सर्च मार रहा है सर गूगल पे, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चलिए अगर आपका आंसर आ गया है तो हम आगे की तैयारी करते हैं। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ ना करके। अच्छा क्या बात है, काफी टाइम लग गया बेटा आपको, इसमें 6 मार्क करना होगा, 4 मार्क करना होगा, इधर 3 रुपए करना। 6 मार्क आता नहीं है ये शिवम भी इधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा हो गया आपका भी सही लग रहा है बेटा। जो बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे थे क्या कर सकते, कम कर देते हैं सर अपना, इतना समय तो नहीं दे पाएंगे बेटा हम लोग, समय की अपनी सीमाएं हैं। मम्मा का नाम है ना सीमा, कविता। हाँ अच्छा ये हो गया बेटा यहाँ पे, क्या ये होमोजेनस नहीं है? वेरी गुड। तो पी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये पी हो जाएगा, पी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6x2 अपॉन, और क्यू एक्स कितना हो गया, आई एफ कैसे निकालेंगे, ई की पावर पी डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। एक्सीलेंट, बहुत सुंदर बताया सर ने, कितना आ जाएगा ये, तो डीएक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो कुल मिला के सीधा लिख दूं मैं, ई की पावर कितना आ जाएगा यहां पे, ये हमने टी माना है, कितना आ जाएगा ये 2, ये आ जाएगा, और 1/t का क्या होता है, ई की पावर 2 लॉग टी, ऐसे कटेगा नहीं है, क्या लिखे, ई की पावर लॉग टी स्क्वायर, अल्टीमेटली बेसिकली फाइनली क्या बच गया, और टी कितना माना था आपने, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, 1+x³ का होल स्क्वायर। लेकिन साहब दूसरा स्टेप क्या कहता है, वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू एक्स, ये होते हैं वाई 1+x³ का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1+x³ का होल स्क्वायर, क्यू एक्स कितना है मेरे पास, कहाँ था, कहाँ है, 1+x² कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये ऊपर बच जाएगा 1+x² अपॉन, ओ ये बच जाएगा कितना 1+x³ इंटू, अब क्या ही बच्चे, कितने बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे वो बाय पार्ट लगेगा, कोई बच्चा मेरे साथ है, मैं बाय पार्ट लगाना चाहता हूँ, यहाँ नहीं करेंगे बाय पार्ट, सिंगल पॉलीनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये
वाई नहीं, डीएक्स तो है सर, वो जगह नहीं थी मेरे पास। नहीं सिंपल सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। कितना आ जाएगा वन से करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तो एक्स प्लस ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, वो कर लेना यार, मैं इतना नहीं करूंगा भाई, कर लेना इतना तो यार। अब अर्नेश हो गया, आ गया ना आंसर। वो आप सीवी की वैल्यू निकाल लेना, देखो इतने से हम कर पाए थे। थोड़ा सा नया सवाल था, मतलब ऐसा सवाल है जो कभी किया नहीं हम लोगों ने, मैंने भी नहीं किया सवाल, ये पहली बार लगा। गुठलियां नहीं गिनते बेटा। सर एक सवाल और लाए हैं, मैं 4 दिन की छुट्टी मार लेता हूँ, आप कराओ सर, मैं 4 दिन की छुट्टी पे चला जाता हूँ। मैं जाऊंगा, मैं इनका पेपर खत्म होते भाग जाऊंगा 4-5 दिन के लिए। सर बाकू चलोगे? बाकू अजर भाईजान, ये यूरोप में है अजर भाईजान। बेटे 3 मिनट दिए आपको, 3 मिनट आपके। ये फॉर्म में समझ में नहीं आ रही मुझे, कौन सी फॉर्म है। सतीश जी लाए ये सवाल भी, थकावट टॉपिक है, बहुत बहुत इजी है ये। बिल्कुल लड़का गलत कह रहा है, मुझे ने दूर दूर तक नहीं है, हमें हर टाइम पावर सेम आती है मेरे बच्चे। यस मेरे को नहीं पता कौन सी है। देखो जब चीजें अलग अलग हो जाएं, हाँ 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 क्या कुछ कहना है? आएगा तो उसे पीछे वाला सवाल आ सकता है, वो मजेदार है, इसे पिछले वाला सवाल बढ़िया था। हाँ ये सवाल बहुत थका हुआ सवाल है, ये भी जो बोर्ड पे चल रहा है। हो गया नॉट पॉसिबल आ गया जी यहाँ तो। ये तो बहुत ही थके हुए लेवल के सवाल है सर, ये बहुत आसान। कर भी लिया आपने? अच्छा देखिए जरा, उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये कहते हैं एक्स और वाई को क्या कर दो अलग, अपने अपने घर पहुंचाओ, कितना आ जाएगा यहाँ डी वाई ऐसे कैसे रहेगा, डी वाई अपन में कितना आ जाएगा? कोई बात नहीं, माइनस को उधर रहने दो बेटा। पता है इतीश बाबू कहाँ फंसे होंगे? आपकी किस्ती थी डूबी वहां जहां ई की पावर एक्स था, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा पाए यहाँ इस फॉर्म के अंदर में, किसको डी मानेंगे यहाँ? की बार एक्स को टी मान लेंगे यार, एब्सोल्युटली करेक्ट मारे यार, ये यहां तक भी नहीं पहुंच पाई थी। इतने सवाल आसान सवाल में भी अगर तुम अटकोगे तो फिर दुख होगा। कितना आएगा ये, इसका कितना हो जाएगा? तो गली का बच्चा ही बता देगा, टेन वर्स वाई। यहां पे की बार एक्स को क्या मान लिया आपने? टी की पावर एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, कितना हो जाएगा ये? डी टी अपॉन वन प्लस
बस बिल्कुल तो बाहर आके पता वन अपॉन वन प्लस डी स्क्वायर वाओ क्या हम डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ क्या वैल्यू है टैग की हाँ हाँ सिंपल ही रिदिम आप कर पाए थे सॉल्व इसको आपसे हो गया था अर्नेश दक्ष नहीं हो पाया था दक्ष से हाँ भाई वो तो निकाल लेना बेटा सी की वैल्यू निकाल सी की वैल्यू निकाल लेना क्या बिल्कुल नहीं ले सकते ऐसे कैसे लिखते टेन इनवर्स वाई को कॉट वाई थोड़ी लिखेंगे बेटा क्या हो गया टेन इनवर्स वाई रहेगा निपुण तलवार ही रहेगा चले कुछ और सवाल लेके आए नहीं टेन इनवर्स वाई को कॉट वाई कैसे लिख देंगे बेटा टेन इनवर्स आप अरे कैसी बातें कर रहे हो यार टेन इनवर्स वाई को मान लो आपने एक्स मान लिया तो वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका टेन एक्स हो गया कल को आप कॉट वाई भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे इससे क्या रिलेशन बन रहा है कोई ये होता है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है तो टेन इनवर्स एक्स को कहते पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी होती थी ना साइन और कॉस का जोड़ा होता है टेन और कॉट का जोड़ा हाँ कुछ नहीं करना गलत समझ गया मैं भाई इनवर्स को लेके रेसिप्रोकल में कर रहा है तो 1 अपॉन डायरेक्ट कोटेक्स टू चीज को लेके चल रहा है लेकिन उसकी चीज उड़ रहा है नहीं गलत तो नहीं पर ऐसा सुना होता है वो अगर होता 10 वाई की 10 वाई का माइनस 1 तब तो ले सकता था ना वो ये देखिए जरा सर मेरी बात ठीक नहीं है अगर 10 वाई की रेस टू पावर 1 होता माइनस तभी तो कोटेक्स चल रहा था 10 माइनस 1 वाई का दोनों लिख देगा ऐसे दसवां सवाल हाँ यहाँ शो भी करना है याद है शो करने का क्या तरीका था लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से सॉल्व कर लो आप शो मत करो इसको केवल ये सर ये लीजिए अब ठीक लग रहा है आपको सर करो नहीं नहीं बेसिक नहीं सर आपको दिमाग बढ़ गया था ना हाँ मैंने मना किया था लेकिन मैं कर दूंगा सवाल को कल को आ गया ना वैसे तो 3 रुपए का सवाल आता है तो 3 रुपए में बनता नहीं है शो करना 26 से लेके 31 तक के बीच के सफर में आपको मिलेगा पेपर का 28वां सवाल ये एक घंटे में कौन सा पेपर बोर्ड का नहीं मैं तो कुछ और दूसरा दूंगा बट अपना बनाया हुआ वो अच्छी बात है नहीं आप मत देना ना बेटा एक्चुअली आपके हिसाब से नहीं चलेंगे ना आपका 4 को फिजिक्स का मानता हूँ नहीं फिजिक्स का सर केमिस्ट्री हो चुका है केमिस्ट्री हो गया हाँ कोई बात नहीं सर सब कर लेता है बच्चा ये
आप 7 महीने में हो गए, आपका दिमाग तेज नहीं है, आप 7 महीने में होके तेज कर लिया दिमाग, ये 9 महीने में नहीं कर पा रहे। हो गया ये फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लग रही है। अरे लिखा तो होगा, होमोजेनियस कैसे होगी सर, एक मिनट मेरी बातों में क्यों आ रहे हो तुम। तो आएगा क्या यहाँ, तो उसके जल्दी चले जाते आप। नहीं नहीं ले सकता तो मैं नहीं आ सकता यार, ये थोड़ी है एक्च में यार, क्यों नहीं ले सकता, क्या कर रहा है एक्च में, क्या कर रहा है वो लड़का। आप फिर कर क्या, इको तो क्या हो गया इको भाई, मैं नहीं आ सकता भैया, ऐसे थोड़ी हो रखा है, मैं तेरे चक्कर में 3 घंटे लगाऊंगा। कोई बात नहीं आ सकता तो कल आ जाऊंगा, कल बढ़ा दूंगा देखो मैं, वो आपकी इच्छा है, देखो दिस इज योर कॉल। कोई बच्चा यहाँ नहीं कर पा रहा, रचित आपने कर लिया है, यहाँ तो बच्चे नहीं कर पा रहे बेटा, यहाँ मैं नहीं देखूंगा बेटा, मैं तो बोर्ड पे करूंगा इधर। आप चले रचित जी, क्या था ये सवाल, एक्स माइनस वाई क्या सवाल था, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस टू वाई। ये देखिए क्या डिवाइड एक्स ये नहीं होगा क्या, मैं प्रूफ भी करके दिखा रहा हूं, कॉपी कर लीजिए बेटा। कैसे करेंगे हम लोग इसको, मान लेते हैं एफ एक्स वाई फंक्शन, हम लोग क्या मान लेते हैं, अब क्या करेंगे हम, किसके लिए निकालेंगे, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, कितना हो जाएगा ये लैम्डा एक्स प्लस टू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा वाई, कितना आ जाएगा ये लैम्डा की पावर जीरो, और एक फंक्शन सेम आ जाएगा ये क्या, और आप लिख देना दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो, ये सब लिख लो, ये शो करने का तरीका है, आ जाता है ठीक है। तनिष आपका सॉल्यूशन मिल गया है, मिल गया चलिए ये सवाल को यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, लिख दो दस इज होमोजेनियस इक्वेशन, एक्स प्लस टू वाई अपॉन क्या दे रखा है आपको, यही सवाल था ना बेटा, वाई को वी एक्स मान लिया, एक्स माइनस वाई तो था, कितना आ जाएगा ये, सवाल गलत कॉपी किया है क्या, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई तो है, सही तो है, ये कितना आ गया एक्स प्लस टू वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, एक्स एक्स उड़ा दिया, वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, वन प्लस टू वी अपॉन माइनस वी, एलसीएम कितना आ गया, तो रहेगा वन प्लस टू वी, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, आपने साइन चेंज नहीं किया होगा एक आध बच्चों ने तो, अच्छा फिर कितना बचेगा हमारे पास, ये
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन अपॉन वन माइनस वी। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, एक्स ये आ रहा था, यानी कि यहाँ आ गया हम लोग एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन अपॉन वन माइनस वी। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, वन माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। ये भूल गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, भूल गया 7.4 एक्सरसाइज, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म नहीं आ गई है। ये करते थे हम लोग पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ जा रहे हो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद आ रहा नहीं आ रहा फॉर्म, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं हो गई, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखते रहे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2b प्लस 1 आ गया। सर बंद कर चुके हैं, ये आ गया हमारे पास, याद है मैंने शॉर्टकट तरीका करा था, एक यहाँ माइनस भी है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस के 1/2 से, और लाना है कि अल्टीमेटली प्लस का 1 लाना है, ये आएगा माइनस का हाफ आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा प्लस का 3/2। अब इनको क्या कर लेना, अलग अलग कर लेना, यहाँ टी मान लेना और यहाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देना, कहते हो तो मैं दोबारा कर देता हूँ उसको। नो किंतु परंतु, बोलो कुछ कहना चाहते हैं आप, नहीं समझ में आया बिल्कुल भी, 3/2 ऐसा है ना, ये माइनस 1/2 आया ना बेटे, लाना प्लस का 1 है तो प्लस का 3/2 करूंगा ना, तभी तो बन आएगा, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी था ना, नहीं तो कंपेयरिंग करके करते थे थोड़ा बड़ा और हो जाता उससे। हर्षिता नहीं हुआ था ना देर से बेटा, ये कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। रिधिमा गोयल आपसे भी नहीं हुआ ना, तो ये अब आइडेंटिफाई हो गई वाली फॉर्म। मैं आई प्रोसीड फर्दर, नहीं नहीं यहाँ तो बेटे मैं तो दोबारा बता दूँ, बट यहाँ तक तो पहुँच गया, इसके बाद नहीं हो पा रहा है, अब देखिए नहीं तो हम पहुँचाते हैं आपको फिर, अब पहुँच गया। अच्छा उसके बाद क्या करें साहब, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इनको अलग अलग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ कितना आ जाएगा प्लस, अगले वाले में तो कंप्लीटिंग था, ये लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो गया, तो यहाँ पे इसको टी मान लेंगे, ये डी टी बाई टी हो जाएगा, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो 3 नंबर के हिसाब से सवाल नहीं है ये, पांच में आता नहीं है भैया ये, हो सकता है थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दें, सीबीएसई का भरोसा नहीं है ना, एरिया का क्वेश्चन 3 नंबर में दे दिया, ये दे दिया, थोड़ा बहुत 1921 चलता है, बिल्कुल सर थोड़ा आप सब्र कर लें, फिर यहाँ पे वी की वैल्यू भी पुट करोगे, इंटू 1 करके बाय पार्ट लगाएंगे, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर करना पड़ेगा इंटू 1 करके, नहीं कर देते हैं, हाँ एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। देखिए सर ने बिल्कुल परफेक्शन के साथ तैयारी की हुई है, कल का पेपर आपका मोराल बहुत बढ़ा देगा, इट्स अ गुड पेपर, आसान पेपर है और सब अच्छे करके आएंगे, नहीं आपके हिसाब से बता दूंगा, नहीं है जो भी है कल आप देखेंगे तो मिलेगा आपको जैसा भी होगा, चलते हैं आगे। अच्छा सर एक सवाल और देख लेते हैं जरा, ये बोर्ड में आया सवाल है, एक्चुअली ये सवाल आया तो बच्चों को पसंद नहीं आया, नहीं ये सवाल वो था, मैं आता हूँ जरा, ये भी नहीं था, बड़ा गंदा सवाल था ये हाँ ये देखने में शक्ल ही खराब है इसकी, ये होमोजेनस में इसमें, हाँ एक बार ये सवाल आप ट्राई कर लीजिए 5 मिनट के लिए, ये सवाल देखते घबराहट सी होने शुरू हो जाती है, हाँ एक्स को वी वाई मान लेंगे इसमें, ये उसका रिवर्स है एक तरह का, इस क्वेश्चन को देखते थोड़ी घबराहट सी होने लगती है।
was brought up. Differentiate with respect to भाई 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 मैं करके दिखा देता हूँ, मैं कर दूँ जरा सवाल को थोड़ा सा शुरू कर दूँ। रिधिमा कैसा लग रहा है सवाल? रिधिमा तो गंदा सवाल है थोड़ा सा। रचित आप कर पा रहे हैं? शक्ल ही खराब सी लगती है इसकी, ललिता पवार लगती है ये। है तो डायरेक्ट, लेकिन चलो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इट्स फाइन ओके कीप इट अप। सॉल्व करिए फटाफट से, जबकि आपके एग्जाम में आए हो आप दोनों बच्चे, क्लेम कर रहे हो इस बात को। देखते हैं कि हम तो नहीं कर पा रहे हैं सवाल को सॉल्व। एक्स जीरो है तो वाई वन है, जनरल ही निकाल लें, करें एक बार शुरुआत कर लें हम जरा। चलिए आप मेरे ऑनलाइन में तो कोई नहीं कर पाया, ऑफलाइन में ऑनलाइन में रचित आपसे भी नहीं हो रहा ना। अच्छा अर्णेश गुप्ता जी, चलिए क्या टू वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई, इस सवाल में मैं दाव लगा सकता हूँ, हो सकता है सेम सवाल मिल जाए परीक्षा में डी एक्स। इस क्वेश्चन पे हम दाव लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम सवाल मिल जाए आपको, y माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई। इसलिए मैं आप देख रहे हो आज मैं एग्जांपल ही एग्जांपल करा रहा हूँ, अनसॉल्व तो हम हमेशा करते हैं। इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ना ये देखा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल ही आता है, यहाँ डी वाई था, ये सवाल था, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे हम सॉल्व इसको? डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालो पहले, उसको उधर फेंक दें, गलत लिखा हमने, देखो ये कितना आएगा माइनस टू वाई ई की पावर डी एक्स, डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस टू वाई अपॉन। अब आप कहोगे सर ये होमोजेनियस कैसे है, वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं पा रहे, वाई और एक्स अलग हो नहीं सकते,
लीनियर बन नहीं रही है तो बची कौन सी, होमोजीनियस। यहाँ से माइनस लौटा के खत्म करें, माइनस अब शगुन वैसे ही होता है, कितना रखें 2y। इसको अगर हम इतिशे या परमिशन दे तो हम ऐसा लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम किसको लेट करेंगे बेटा, हमेशा y को vx मानते थे, x को vy मान लेंगे, रिवर्स है ये। और मैं सही तो है, हाँ मैं लिख रहा हूँ उसको, वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे x अपॉन वाई है तो x को वी वाई मानना पड़ेगा, तभी वो कैंसल आउट होगा। तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा dx अपॉन dy, 2x अपॉन, खाली इतनी देर से तमाशा चल रहा है, कुछ भी नहीं किया अभी तक हमने, बोले तमाशा कर रहे हैं इतनी देर से, केवल तमाशे का मतलब इसको इंटीग्रेशन के योग्य बना रहे हैं इस बालक को, कि इंटीग्रेशन इसका हो सके। कितना हो जाएगा ये, अन्य जी समझ में आया था बेटा, हम बोलो x को vy मानेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, v को रख देंगे y का वन, y को रख देंगे कितना हो जाएगा, कौन सा वन, ये सवाल में था बेटे, वन नहीं था गया क्या, कुछ और था क्या, y लिख देते हैं तुम कहते हो तो, अपना क्या जा रहा है भाई, है अब खुश हो, ये समझ आ गई बात, कितना लिखेंगे इसको हम लोग, v प्लस वाई डी वी वाई डी वाई इज इक्वल टू टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, एक्स को क्या माना हम लोगों ने, वी वाई अपॉन वाई माइनस वी वाई, वाई की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन वी आ रही है ना वैल्यू, वाई तो वाई होगा, हाँ कितना आ जाएगा ये भाई, अरे ले तो लिए यार, टू वाई टी की पावर कितनी, ये टू वाई तो था ई की पावर एक्स, अच्छा अच्छा हो जाता है यार, पकाओ क्वेश्चन है, नेगेटिविटी है इस क्वेश्चन के साथ, भाई वी भाई क्या आ जाएगा, कॉमा कितना हो जाएगा, वी प्लस वाई वाई कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहाँ पे, ये टू वी कितना बचेगा, टू वी ई की पावर कितनी, v माइनस वन अपॉन टू वाई ई की पावर v, बता दो गलत नहीं, गलत तो नहीं करा रची, ठीक जा रहा है अभी तक तो, ठीक जा रहा है कह रहा है, y से भाई उड़ा, तुम भी करो भैया, y से भाई उड़ गया, अब v को कहाँ ले जाते हैं, उस तरफ लेके जाते हैं, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ जरा, हेल्प करो जरा, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कितना, टू e की पावर v, v रह गया देखो अभी यहाँ, टू v e की पावर v माइनस वन अपॉन टू e की पावर v y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टू v e की पावर v माइनस वन टू e की पावर v माइनस v, हाँ बोलो एक सेकेंड, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेते हैं, टू e की पावर v एलसीएम आ गया, कितना बचा टू v
की पावर वी माइनस वन माइनस टू वी ई की पावर वी, ये कैंसल आउट हो गया। चलो कुछ तो बचा, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू ई की पावर वी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी ई की पावर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू डी वाई अपॉन वाई। अब ई की पावर वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर वी माइनस वन बाई टू लॉग वाई प्लस लॉग सी, मैं नहीं करूंगा बस, लेकिन था नहीं पका हुआ क्वेश्चन ही है। जब बोर्ड में सवाल आया ना, एक जगह इस क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई प्रिंट हो गया, एक जगह वाई बाई एक्स प्रिंट हो गया, सबको छः छः नंबर मिले थे, छः का आता था पहले ये। हाँ सभी को जैसे नंबर भी डाल दिया ना उसको मिले थे, उसको नहीं मिले आपको, सिर्फ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट। तो बेटा ये कुछ नहीं सर, ये कितनी बार बहस हो चुकी बात हो गए। दो मिनट रुक जाओ बेटा जरा, थैंक यू सो मच। जो सवाल हमें चाहिए था वो अभी तक आया ही नहीं। हाँ मिल गया, ये सवाल करना, देखिए शक्ल ही इसकी भी ऐसे ही है, देखिए कैसे करेंगे इसको बताइए। ये सवाल और करेंगे हम लोग, बेटा आप कल मत आइए, अगर आप आना चाहते हैं तो आप 4 मार्च को आ जाइए बेटा, क्योंकि ना अभी 11th का रिजल्ट है, कल हमने पेरेंट्स को बुलाया हुआ है, तो कल तो बहुत ही बिजी और हैप्टिक शेड्यूल रहेगा, तो आप सारे डाउट कलेक्ट कर लीजिए और 4 तारीख को आ जाइए बेटा आप, नो प्रॉब्लम। छोटे मोटे डाउट हो तो आप उससे फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हो, नॉट एन इशू। ऑल द बेस्ट माई बच्चा, हाउ योर मैथ्स प्रिपरेशन आर गोइंग ऑन। खुराना साहब है इन्हीं की क्लास का बच्चा, नहीं हो पा रहा ना बेटा, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है क्या, होमोजेनस नहीं है क्या ली? ओहो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही बार माइनस वाई आ रहा है बच्चे का, तो देखिए देखते हैं जरा, 2 मिनट का टाइम देंगे, क्या हर्षित हम कर पा रहे हैं सवाल को सॉल्व।
चलिए सर अब समय इजाजत नहीं दे रहा है हमारे को, मैं ही करूंगा उसको। वाई डी एक्स नहीं नहीं वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस कितना है बेटा डी वाई। ये आ गया हमारे पास, देखिए कितना आ जाएगा ये वाई डी एक्स इजिकल टू। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म से काम नहीं चलेगा, कहते हो तो बना देता हूं मैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये कल भी हम लोग जाके यहाँ पे एनकाउंटर किया था हम लोगों ने। यहाँ क्या यहाँ इनको सेपरेट कर सकते हैं क्या, कैसे कर दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा हमारे को रेसिप्रोकल। कल भी हमने सवाल किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशल टाइप है ये। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी यहाँ वाई की फॉर्म में आएगा ना बेटा फंक्शन। देखो जा रेसिप्रोकल करो दोनों साइड का कितना आ जाएगा अपॉन वाई ठीक है जी। पी कितना समझ में आया नहीं बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पी की वैल्यू कितनी है बताओ जरा यहाँ, हाँ क्यू वाई कितना है टू वाई है, कितना आ जाएगा भाई ई की पावर आई एफ कितना हो जाएगा बताओ ई की पावर पी डी वाई कितना हो जाएगा ये सर कितना हो जाएगा बताओ जरा। पी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ कितना हो जाएगा ये इतिश हमेशा गलत करता है यहाँ पे ई की पावर माइनस लॉग वाई, अब पहले माइनस वन की पावर ऊपर जाएगी तो हाँ तो तीन बार लिख लो अपने घर पे जाकर ये बात। कितना हो जाएगा वाई की पावर माइनस वन होगा तो अल्टीमेटली वाई की पावर माइनस अल्टीमेटली कितना आ जाएगा ये वन अपॉन वाई। और यहाँ अगला स्टेप क्या होगा एक्स इंटू में वन अपॉन वाई इंटू कितना है वो टू वाई, वाई से वाई उड़ गया तो एक टू बच गया, टू का कितना हो जाएगा टू वाई प्लस सी। रची समझ में आई बात ये वाली, सवाल कैसा लगा आपको ये अच्छा सवाल आपने आप में एक ये। इसी का एक भाई और है आ रहे फिर कॉपी कर लीजिए बेटा, कहीं दिक्कत है तकलीफ है तो बताओ बेटा, घर जाके नहीं बेटे घर जाके नहीं, जो होगा यही होगा। अब थोड़ा सा आपने नहीं करा तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं आती चीजें ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सरीन जी अगर आप इजाजत दें नहीं तो आगे चले। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए है, ये ना बारहवां सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा था, एक बार देखोगे जरा एक बार बारहवां सवाल एक बार एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ये हो नहीं पा रहा था पता नहीं क्या। हाँ नॉर्मली और देखिए सर करने से पता लगता है सर। थोड़ी बहुत अकाउंट्स भी कर रहा हूं तनिष्क खुराना डाउट है उसके अकाउंट्स के कुछ, तो 4 तारीख को बुलाया मैंने उसको। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है आप देखो जरा एक बार ये हो नहीं पा रहा था ये मतलब है वही वाली फॉर्म ही है बस ना कर पा रहे हैं हम सवाल को सॉल्व। differential equations and this is the
तेरे स्कूल प्रिंसिपल मिली थी उस दिन, इसकी स्कूल की प्रिंसिपल, बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल आए हुए, पीपीएस का नहीं था। तो कह रहा है इधर आ, सॉल्व हो गया बेटा ये। अनेश गुप्ता, तनेश क्या हो गया? अगला देखिए जरा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे बेटा। एमसीक्यू में ऐसा वाली है क्या? करो यार बेटे जल्दी करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो जरा। हाँ हाँ तो तभी तो आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेटिंग फैक्टर की दरकार है, दरकार है मतलब। रिक्विजिशन है एक तरह से। बेटा अनेश को क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बेटा। अनेश आप सुन पा रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा बेटा। बेटा क्योंकि आप वो एक्स की वाई की वैल्यू निकाली है ना बेटा हमारे को, तो अपॉन में जो एक्स है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। बताओ इतना आसान सवाल नहीं कर पा रहे आप। कंफर्म कर लीजिए आप। रची जी आपको ही बड़ा टाइम लग रहा है 19 क्वेश्चन में। आप करिए बेटा, आपका कितना आंसर आ रहा है बेटा? चले सबका आ गया डी बेटा, आपका आ गया तनेश। नहीं अभी दो सवाल और करेंगे हम लोग। मुझे ये सवाल लग रहा है शायद ये सवाल आएगा एग्जाम में। ये सवाल, ये देखिए जरा क्या है। ये दो सवाल हैं और दोनों पे मुझे
देखिए जरा सवाल को, ये सवाल आ गया तो होगा नहीं आपसे। ये देखिए एक्स वाई आने दीजिए, एक्स वाई प्लीज ध्यान से देखिए जरा सवाल को। ये सवाल करना है जी, एरिया निकालना है इसका। हाँ लिखिए, लिख लीजिए, क्या मैं करा रहा हूँ जरा, मुझे लग रहा है जरा पेपर में आ जाएगा ये। हाँ बताइए ना, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक सेकंड का काम है। एरिया ए वाई का चैप्टर बेटा, लिखिए जरा। ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए ये देखने में आपको घबराहट होगी, ये इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करो। y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, खत्म कहानी। अब थोड़ा अपनापन लगने लगा। अब ये क्या है, ये क्या चीज है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला जो है पैराबोला, ये बिल्कुल यहां से होके जाएगा, थोड़ा ऊपर से होके जाएगा ये, क्योंकि यहां पे ये शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस हो गए यहां पे, क्योंकि x वैल्यू 0 डालूंगा तो y 1 आएगा। ये पैराबोला यहां से शुरू होगा ये, और y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन कैसे बनेगी, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा हमारे को, करेंगे जरा यहाँ पे, कैसे करेंगे यहाँ पे, x को 0 लेंगे तो y 1, और y को 0 लेंगे तो x माइनस 1, तो x को माइनस 1 लिया तो y 0 आ गया, और x को 0 लिया तो y 1 आ गया, तो कैसे होके जाएगा ये, ऐसे होके जाएगी लाइन, ये नहीं। और एक लाइन और भी है, x इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पे, x इक्वल टू 2 लाइन कैसे जाएगी बताओ जरा आप, हाँ जी x इक्वल टू 2 लाइन कैसे बनेगी, अब x इक्वल टू 2 लाइन मतलब ऐसे इसको बिल्कुल टच करके जाएगी, ऐसे थोड़ी दूर जाएगी। देखो उसको चेक करने का एक तरीका है, ये लाइन इसको ऐसे टच करके जाएगी या थोड़ी आगे पीछे जाएगी, देखो ये दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें इनका, निकालें जरा कितना आ रहा है, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इजिकल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 1 आ गई, तो ये पॉइंट ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, इसका मतलब ये x इक्वल टू 2 लाइन समवेयर कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, थोड़ी दूर जाएगी ये लाइन, ये तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा दिस, और ये एरिया मैंने कैसे शेड किया देखिए जरा कैसे बन के आई रही बता देता हूं मैं। ये आपको इन इक्वेशन दे रखी थी, y इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 से स्मॉलर है, मतलब क्या हो गया, इसमें टेस्ट पॉइंट डालना जरा, एक्स 0 वाई 0, तो क्या आ जाएगा 0 इज लेस देन 1, छोटी है सच्ची बात है झूठी है, सच्ची बात है उसका एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे दूसरी वाली में भी क्या आ रहा है, एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आएगा नहीं आएगा एरिया, तो ये एरिया आएगा हमारे पास, ये एरिया नहीं है बेटे बता दो तो आपको, ये नहीं है कुछ भी, ये ऐसा ये एरिया नहीं है, ये हमें चाहिए भी नहीं है, समझ में आई मेरी बात, नहीं इसको देखो ये आपका फर्क पड़ गया ना बेटे, रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा 0 से 1 और 1 से, अब इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है एक बार जरा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मुझे लग रहा है कि सवाल आएगा ये, क्योंकि आपके पेपर में या तो लाइन और पैराबोला आएगा या लाइन या सर्कल आएगा या लाइन या एलिप्स आएगा, तीन ही सवाल बनते हैं।
मेरे को नहीं पता क्या आंसर आएगा इसका। हाँ ये जीरो से वन है, वन से टू है, कितना आंसर आ रहा है बताइए। रचित क्या आंसर आया बेटा? मेरे को नहीं पता कितना आ रहा है, आप बताइए बेटा। ध्रुव जी 5/6 गलत है। अब मेरे को नहीं पता क्या, अभी दो तीन बच्चों को आ जाने दीजिए यार, इसका इंडिकेशन भी नहीं कर पा रही फसला, कैसे चलेगा काम बताइए। ये समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है? कितना है? तो चलिए सब लोग 23/6 कह रहे हैं, तो यही फाइनल आंसर होगा फिर। अच्छा आगे चलिए, जरा क्लियर है? कितना आंसर आ गया? एक सवाल और है, वो भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लिखिए जरा। ठीक है रचित, सवाल अच्छा लगा ये वाला आपको? y = x² + 2 y = x, ये देखिए जरा, इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें कन्वर्ट करके दे रखा है ये। नहीं नहीं बेटा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो ये ले, ये स्क्रीनशॉट ले ले इसका बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेम क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आया ना आधी जनता नहीं करके आएगी, मैं नहीं ले रहा। नहीं बेटा मेरी नहीं होगी ड्यूटी, डोंट वरी, और फिर भी तो 8 बजे आ जाइए, बाई चांस कभी लगती भी है तो 8 बजे जाना, क्योंकि नॉर्मली मेरी बॉडी ड्यूटी नहीं लगती है बेटा। अच्छा मैंने एक सवाल और दिया करने के लिए, वो सवाल और करेंगे। अर्नेश ने भी फोटो भेज दी है। अच्छा आ तो सकता है बेटा, ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन आएगा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं है, वैसे तो एक लाइन ही है, लाइन और सर्कल है, हो जाएगा ट्राई करके देखियो, उसको ग्रुप में भेज दे ताकि बाकी बच्चे भी ट्राई कर लेंगे। ये देखिए ये 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 लाइन कैसे बनेगी, ये वाला पैराबोला भी थोड़ा सा ये हो गया हमारे पास, और y = x लाइन कैसे जाएगी? y = x लाइन कैसे बनेगी? ये 2 है तो x की वैल्यू 0 0 है, 1 पे 1 है, तो लाइन करीब करीब ऐसे जाएगी, लाइन मतलब ओरिजिन होकर जाएगी, थोड़ा सा वो हो गया। अब एक लाइन और है x = 0 और x = 3, ये लाइन कैसे जाएगी? अब वही वाली बात आएगी, इस लाइन को टच करके जाएगी, उधर जाएगी, पिछली बार तो उधर गई थी, इस बार नहीं जाएगी उधर, ये नहीं, इस बार ये लाइन ऐसे जाएगी। ये सर आप कैसे डिसाइड करोगे इसको कि x = 3 ऐसे जाएगी? ये देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, इनकम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? तो ये भी वाई है, ये भी वाई है, = x हो गया, और यहां इसके फैक्टर नहीं हो सकते, x की वैल्यू हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे बीच में अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे आइडिया लगा लेते
अब x इक्वल टू 3 है बिल्कुल उसको टच करके जाती है तो रिक 17 मार्क्स नो वैल्यू ऑफ x तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा ये 0 था ये 3 था 0 से 3 पैरा बोले में से लाइन को क्या कर देंगे हम लोग अब माइनस क्या करेंगे हम लोग जीरो से थ्री पैराबोला कितना है अब बताइए क्या आंसर आएगा इसका यह आप इंडिकेट कर लीजिए हाँ वन बाय टू ना भाई ये थ्री दे तो रखी थी लाइन भैया ये क्या दी लाइन ये रची समझ में आई वाला सवाल अगर ये सवाल भी आया ना तो नहीं होगा एग्जाम में क्योंकि है ना इतना जबरदस्त कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि x इक्वल टू 3 या तो प्रॉपर आपने एक एक पॉइंट डॉटेड लेके ड्रॉ किया उसको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी आपको मेरा आंसर नहीं पता मुझे अभी हमारे को हर्षिता और तनिष कंफर्म करेंगे इनका 1/2 आ रहा है 21/2 आ रहा है रची जी आप बताएं ट्वेंटी वन बाय टू बता दिया है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कर पाएंगे आप ये दोनों क्वेश्चन रट के चले जाना बता रहा हूँ मैं ये दोनों क्वेश्चन रट के चले जाना अब हो जाएगा एग्जाम में आ गया तो ये रट लेना देखो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ पाता तो उसका मतलब ये स्कूल बिल्कुल इसे टच करके इस तरह से निकलेगा एरिया हाँ व्हाई नॉट ठीक है बेटा आज हम इतना ही चलिए थैंक यू सो मच कल 6 बजे मिलेंगे टेस्ट के लिए और अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे केवल हमारे पास सेकंड बुक से टेस्ट होगा आपका बाय बाय एवरीवन